तो रुक करते हैं बांसुर की ओर, जहां पर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के अंदर आपको बता दें कि कोरोना काल के दौरान पोषाहार की व्यवस्था राज्य सरकार ने बंद कर दी थी, लेकिन राज्य सरकार ने अब इसे वापस सुचारू रूप से चालू कर दी। इसको लेकर बांसुर के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में बच्चों में खुशी की लहर दिखाई दी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज न्यूज चैनल। धरातल से जुड़ी सच्ची खबर के लिए आज हम पहुँचे हैं राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बांसुर पंचायत समिति अधीन रावतों की डाणी, रावत का तिवारा। अब मैं आपको दो साल के बाद जो गर्म पोषाहार बनाया जा रहा है उसी का मैं आपको सच्चाई दिखाना चाहूँगा। बच्चों में भारी उत्साह है कि आज से हमें पोषाहार मिलेगा। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जो कोरोना काल था उसके बाद ये पोषाहार बनाया जा रहा है, और मैं कैमरा मैन से कहूँगा एक बार बच्चों का परिदृश्य दिखाए। सभी इंतजार में बैठे हैं, एक बार रसोई को रखो, वो चक्षण भी करवाए। गरम रोटियां बन रही हैं और बहुत ही साफ एवं स्वच्छता का परिदृश्य नज़र आ रहा है। अब मैं सीधे यहाँ के जो हमारे गुरुजन हैं उन्हीं से बात कराना चाहूँगा। सर नमस्कार। नमस्कार। यह आपके जो गर्म पोषाहार बन रहा है तो आज आपको कितनी खुशी महसूस हो रही है कि दो साल कोरोना काल के ख़त्म हो गए, बच्चों को गर्म भोजन मिलेगा, इसके बारे में आपकी क्या राय है? कि बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी बात है कि आज से उन्हें गर्म खाना मिल रहा है। इससे पहले जो पोषाहार सूखा पोषाहार वितरित किया जाता था उसके अंदर बच्चों के परिजन भी परेशान होते थे, उन्हें यहाँ बार बार आना पड़ता था और हमारी जो शिक्षण प्रक्रिया थी वो भी बाधित होती रहती थी। आज से ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा है और स्वास्थ्यकारी है कि उन्हें गर्म भोजन मिल पाएगा। धन्यवाद। अब मैं आपको बच्चों से बात कराना चाहूँगा कि उनको कैसा महसूस हो रहा है। तुम सीधे क्लासरूम। बेटा नमस्कार, बच्चों के दिल में भगवान निवास करते हैं, आपको आज ये पोषाहार गर्म मिल रही है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं बहुत खुश हूँ। पहले आप मैं निवेदन परिचय दें पूरा। मेरा नाम नवीन गुजर है, मैं कक्षा विद्यार्थी हूँ और मैं गांव चतरपुरा में रहता हूँ। आज ये गर्म भोजन मिल रहा है, आपको कितनी खुशी महसूस हो रही है दो साल बाद? मैं बहुत खुश हूँ। अब मैं एक बालिका से भी पूछना चाहूँगा, बेटा आपको जो ये पोषाहार बनाती है इनका व्यवहार कैसा रहता है और आपको किस प्रकार से मोटिवेट करते हैं गर्म भोजन खाने के लिए घर वाले? अच्छा व्यवहार करती है, हमारी माता की तरह ही खाना खिलाती है हमको। ती है खूबी अच्छे विद्यालय की, अच्छे संस्कार की। गुरुजनों ने इनको पोषाहार पकाने वालियों को स्पष्ट निर्देश दिए हुए हैं कि जिस प्रकार से आप अपने परिवार में बच्चे भोजन करते हैं उसी प्रकार से हमारे शाला के विद्यार्थियों को भोजन कराया जाए।